समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए औपचारिक गठबंधन की घोषणा कर दी है। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा होने से पहले ही दोनों गठबंधन दलों के बीच बात बन गई है। इससे इंडिया गठबंधन के दलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो समाजवादी पार्टी कुछ ऐसी सीटें आरएलडी को दे रही है जिसकी डिमांड कांग्रेस की ओर से थी। दरअसल अमरोहा से मौजूदा बीएसपी सांसद दानिश अली को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। निलंबित किए जाने के बाद उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामने का मन बना लिया। बीते दिनों उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी देखा गया, जिसके बाद संभावना जताई गई कि वो कांग्रेस के टिकट पर अमरोहा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन इस संभावना पर संकट आता दिखाई दे रहा है। सूत्रों की माने तो सपा के साथ गठबंधन में आरएलडी को 7 सीटें मिली हैं। इन सीटों में ज्यादातर पश्चिमी यूपी की सीटें हैं। गठबंधन में आरएलडी को मेरठ, मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा और कैराना सीट मिली है। अगर ऐसा है तो कांग्रेस के लिए इंडिया गठबंधन के जरिए यूपी में रहा मुश्किल नजर आ रही है और खासतौर पर सांसद दानिश अली के लिए भी संकट बढ़ गया है। अगर ये सीट आरएलडी के खाते में चली जाती है तो फिर दानिश अली को खाली हाथ रहना पड़ सकता है। अभी तक इंडिया गठबंधन में सीटों पर फाइनल बात नहीं बन पाई है। हालांकि इसके लिए अभी तक 3 दौर की बैठक हो चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो दानिश अली का बीएसपी से दूरी बनाना और कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ाने वाला दाव अभी तक गलत साबित होता नजर आ रहा है।